हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे सिक्स स्टैंडर्ड का मराठी लेसन नंबर 5, सुगरणीचे घरटे। तो देखिए स्टूडेंट, सुगरण का मीनिंग क्या होता है? एक बर्ड जिसका नाम है सुगरण, जिसे वीवर बर्ड भी कहा जाता है, और हिंदी में अगर हम देखेंगे तो उसे बया पक्षी या फिर बया गौरैया ऐसे भी कहा जाता है। और ये जो बर्ड होता है या फिर जो पंछी होता है किसकी तरह दिखता है? जो चिड़िया होती है, जो गौरैया जिसे हम कहते हैं, तो सेम उसी की तरह दिखती है, लेकिन उसकी जो चोंच होती है काफ़ी स्ट्रांग होती है। तो उसके बारे में ही हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से वो अपना घरटे का मीनिंग क्या, घोंसला। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि जो बर्ड ने अपना घोंसला बनाया है उसे ही घरटे कहा जाता है। तो वो किस तरीके से अपना ये घर बनाता है, अपना घोंसला बनाता है, तो वही हम इस लेसन में देखने वाले हैं। शाळेच्या परिसरात असलेल्या निंबाच्या झाडावर सुगरण पक्षी घरटे बांधत होता। तो जो सुगरण पक्षी या फिर पंछी था वो कहाँ पे अपना घर बना रहा था? तो निंबाच्या झाडावर। अतुल, नैना, जॉन व सिमरन रोज तेथे थोड़ा वेळ थांबायचे। तो ये सारे फ्रेंड्स थे जो वहाँ पे क्या करते थे, रुकते थे और उस पंछी को देखते थे। सुगरण पक्षी कसे घरटे बांधतो याचे निरीक्षण करायचे। और वो सब लोग वहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकते थे और उसके बाद देखते थे कि वो बर्ड किस तरीके से उसका घर बांध रहा है। त्याच्या हालचाली त्यांचे मन मोहून टाकायचा, क्योंकि उन सारे बच्चों को वो अच्छा लग रहा था कि किस तरीके से एक पंछी अपना घर बनाता है, तो उनको वो देखने में अच्छा लग रहा था। कुठे घाई नाही, गड़बड़ नाही, सगळे कसे नियोजनबद्ध असे नैना नेहमी म्हणायची। तो उसमें से जो नैना थी लड़की, तो वो क्या कह रही थी कि ये जो पंछी अपना घर बना रहा है उसमें वो बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करता है। कैसे नियोजनबद्ध मीन्स क्या, प्लानिंग के साथ। अगर कोई चीज़ हमें करनी होती है तो हम कैसे प्लानिंग करने के बाद आराम से और धीरे धीरे उस काम को करते हैं, तो उसी तरीके से वो पंछी भी अपना घोंसला बना रहा था, ऐसे वो नैना कहती है। तिला त्याच्या कामातला सफाईदारपणा नीटनेटकेपणा आवडायचा। सफाईदारपणा और नीटनेटकेपणा का मीनिंग क्या होता है? अच्छे से कोई भी काम अगर हम करते हैं क्लियरिटी के साथ हो या फिर अच्छे से करना, तो उसे ही सफाईदारपणा या फिर नीटनेटकेपणा हम कह सकते हैं। जॉनला त्याची चिकाटी तर अतुलला त्याची कष्टाळू वृत्ती भावून जायची। चिकाटी मीन्स क्या, एक काम को ही हम ठीक ढंग से करते हैं तो उसे, या फिर कंटिन्यूअसली करते हैं तो उसे कहा जाता है चिकाटी। तो जो जॉन था उसे क्या पसंद था उस बर्ड में से? चिकाटी, कि कंटिन्यूअसली वो किस तरीके से अपना काम करता है। एंड अतुलला त्याची कष्टाळू वृत्ती, कष्टाळू वृत्ती मीन्स क्या, हार्डवर्क, मेहनत करना, तो वो उसे ज़्यादा पसंद था। सिमरनला वाटायचे किती मेहनती आहे हा पक्षी, कि कितनी मेहनत करता है वो अपने घर बनाने के लिए। आपल्या सुगरणीसाठी व पिल्लांसाठी एवढे सुरे घरटे बांधतो, त्यासाठी अपार मेहनत घेतो, खरंच खूपच जबाबदार व कुटुंब वत्सल पक्षी आहे हा। तो सब लोगों को उसकी कोई ना कोई बात अच्छी लग रही थी कि वो कितने अच्छे से वो अपना घर बनाता है या फिर कंटिन्यूअसली कोई काम कर रहा है। और वो अपनी जो सुगरण मीन्स जो फीमेल बर्ड होती थी उसके लिए या फिर उनके बच्चों के लिए इतना सुंदर घर वो बना रहे थे। मीन्स सुरेज मीन्स क्या, सुंदर घर। त्यासाठी अपार मेहनत मीन्स काफ़ी हार्डवर्क उसे करना पड़ रहा था, काफ़ी काम उसे वहाँ पे करना पड़ रहा था, मेहनत करनी पड़ रही थी। खरच खूपच जबाबदार व कुटुंब वत्सल, जबाबदार मीन्स क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो अपना काम कर रहा था। और कुटुंब वत्सल मीन्स अपने जो परिवार था, परिवार के लिए कुछ करना, उसे कहा जाता है कुटुंब वत्सल। अपने परिवार के लिए जो प्यार होता है, ऐसे जो लोग होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है कि ये कुटुंब वत्सल, मीन्स अपने परिवार से काफ़ी प्यार करते हैं। तो उसी तरीके से वो जो पंछी था वो उन्हें लग रहा था। मुले घरटे पाहत असताना गुरुजी तेथे आले। गुरुजी मीन्स क्या, जैसे कि हम टीचर सर कहते हैं, तो यहाँ पे उन्हें गुरुजी कहा जाता है मराठी में। गुरुजी ने मुलांना विचारले काय रे मुलांनो काय पाहत आहात। तो यहाँ पे गुरुजी जो थे उन्होंने उनसे क्वेश्चन किया कि आप लोग यहाँ पे क्या देख रहे हो। मुलांनी घरट्याकडे बोट दाखवले अन म्हणाले गुरुजी पहाना सुगरण पक्षाने किती छान घरटे बांधले आहे। तो देखिए सब लोगों ने क्या किया, वहाँ पे अपनी उंगली दिखाई और कहा कि देखिए कितना अच्छा घोंसला उस बर्ड ने बनाया है। गुरुजींनी घरट्याकडे पाहिले ते मुलांना म्हणाले मुलांनो सुगरण पक्षी नीटनेटके आणि मजबूत घरटे बांधतो, गवताच्या बारीक पण चिवट काळ्या गोळा करतो आणि आपल्या चोचीने सुबक व भारी घरटे विणतो। तो देखिए यहाँ पे जो गुरुजी थे, जो उनके टीचर थे, उन्होंने जो सर थे उन्होंने उनको कहा है कि किस तरीके से सुगरण पक्षी जो है अपना घोंसला या फिर अपना घरटे घर जो बनाता है तो किससे बनाते हैं, वो गवताच्या बारीक पण चिवट काळ्या, जो घास होती है उसकी पतली लेकिन चिवट मीन्स क्या,
जल्दी से ना टूटने वाली जो काड़ी होती है या फिर जो घास होती है उसको क्या करते हैं, जमा करते हैं, और उससे फिर वो क्या करते हैं, अपनी चोच से क्या करते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं। नक्शीदार बीन पाहुणच या पक्षाला सुगरण असे म्हणतात। सुगरण का मीनिंग ही क्या होता है कि अपने काम में परफेक्ट होना या फिर अच्छे से काम करने वाले को सुगरण कहा जाता है। तो वो जो अपने चोच के साथ उन सारे जो घास फूस होती है उससे वो अपना घर बनाते हैं और इतने सुंदर तरीके से बनाते हैं, इसके लिए उसे नाम दिया गया है सुगरण पक्षी। अशी सुबक आकाराची सुरेख घरटी तो बांधत असतो। सुगरण मादी त्याचे निरीक्षण करते। सुगरण मादी मीन्स जो फीमेल बर्ड होती है वो क्या करती है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन करती है, और जो मेल बर्ड होता है वो एक्चुअल में क्या करता है, अपना घोंसला बनाता है। राहण्यास योग्य व मजबूत असेल अशा घरात राहणे ती पसंत करते। निंब बाबळीच्या झाडाच्या फांदीला हे घरटे झोक्यासारखे टांगलेले असते। जिस तरीके से झूला झूलता है उसी तरीके से वो क्या करते हैं, किसी भी जो पेड़ मीन्स नीम का या फिर बाबळ एक तरीके का पेड़ होता है उसके ऊपर वो क्या करते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं और एक तरीके से झूले के जैसे वो क्या करता है वहाँ पर दिखाई देगा। वादळ आते ही ये घरटे शाबूत रहते। शाबूत रहते मीन्स वहाँ पर कोई भी वादळ मीन्स क्या, तेज अगर हवा भी आती है तो भी उनका नुकसान नहीं होता है। त्याच्या घरट्याची सर कोणत्याही इतर पक्षाच्या घरट्याला येत नाही। मीन्स उनके जैसे घरटे होते हैं, जैसे घोंसले होते हैं, वैसे बाकी पंछियों के नहीं होते। सर एने मीन्स क्या कि बराबरी नहीं हो सकती उनके घोंसले की बाकी पक्षियों के घोंसले के साथ। गुरुजी ने सुगरण पक्षाची वाखाणनी केली। वाखाणनी मीन्स क्या, स्तुति करना, मीन्स उसके बारे में अच्छे बोलना। बऱ्याच दिवसांनी पुन्हा मुले निंबाच्या झाडाजवळ आली। पाहतात तर काय, सुगरण पक्षाचे घरटे बांधून पूर्ण झाले होते। क्योंकि पहले जब लोग वो देख रहे थे तो वो सिर्फ बना रहा था, पूरा नहीं हुआ था, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब वो लोग पहुँचते हैं वहाँ पे तो उन्हें ये दिखाई देता है कि सुगरण पंछी जो था उसका घोंसला पूरा हो चुका है। झाडाच्या फांदीवर बसून घरट्याचे निरीक्षण करणारी सुगरण त्यात राहायला आली होती। नैना म्हणाली, सुगरण पक्षी किती आकारबद्ध घरटे बांधतो तेही चोचीने। कि कितना अच्छा उसने अपने लिए घोंसला बनाया था, वो भी किससे बनाया था, तो अपने चोच के हेल्प से उसने बनाया था। आपल्याला असे घरटे तयार करता येईल का, किती कसबी विणकर आहे हा पक्षी। कसबी विणकर मीन्स कितना अच्छा काम किया है उसने। ये जैसे हम अगर कपड़ा बनाते हैं तो वहाँ पे एक में एक दूसरा धागा क्या किया जाता है, एक के साथ दूसरे धागे को जोड़ के फिर एक पूरा कपड़ा बनता है। तो उसी तरीके से उसने भी क्या किया था, जो घास फूस होती है उसको एक साथ जोड़ के अपना घोंसला बनाया था, तो इसीलिए उसको कसबी विणकर भी कहा जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, इसी तरीके से आपको जो है वीवर बर्ड या फिर सुगरण पंछी हम जिसे कह सकते हैं या फिर बया पक्षी भी जिसे कहा जाता है, उसके बारे में यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि किस तरीके से वो अपने घोंसले बनाते हैं। तो आई होप आपको पूरा लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी कीजिए।